नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, आया मौसम मंदिर मठ लिंगायत का। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंदिर मंदिर अगर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण सिलसिलेवार ढंग से चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बात लिंगायत की, कर्नाटक में 17% वोट बैंक की और इसी के जरिए उसे अलग धर्म बनाकर, लिंगायत को अलग धर्म घोषित करके क्या सिर्फ कर्नाटक को कुरुक्षेत्र बनाकर जीतने की कवायद में है कांग्रेस पार्टी। जी हां, कर्नाटक में वोटों की शक्ति के आगे मठ मंदिर की भक्ति के दिन आ गए हैं। कर्नाटक का किला बचाने के लिए राहुल गांधी मठों मंदिरों तक में शीश नवा रहे हैं, 17% की ताकत आजमा रहे हैं। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। मिशन कर्नाटक के इस महत्वपूर्ण राज तीर्थ में राहुल को अपना पारंपरिक परिधान त्याग देना पड़ा और धारण करना पड़ा ये सांस्कृतिक सूत, सफेद वेष्टी और सफेद अंग वस्त्र। चिकमंगलूर के श्रृंगेरी शरदम्बा मंदिर में प्रवेश करने से पहले वो पूरे दक्षिणात्य हिंदू के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पुजारी साथ चले, रीति रिवाजों और मंदिर की कथा सुनाते हुए राहुल मुस्कुराते आगे बढ़े। जगतगुरु शंकराचार्य और श्रृंगेरी मठ के स्वामी भारती तीर्थ का उन्हें आशीष मिला। राहुल ने दर्शन किए, भगवान का कृपा प्रसाद मांगा। उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे। वो पहले ही श्रृंगेरी मठ से आशीष ले चुके हैं। 5 साल के बाद सरकार को दोहराने की चुनौती है। इधर सनातनी मंदिर में राहुल के साथ आए हैं, उधर लिंगायतों के लिए पासा फेंक चुके हैं। आज के दिन में सिद्धरामैया और राहुल गांधी पूरा पलट करके जातियों के बीच में विद्वेष करने का और समाज को बांटने का, ये गिरे हुई राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचे थे तब उनका कपड़ा आम था, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश से पहले वो दक्षिण भारतीय परिधान में आए। ये उनकी कर्नाटक यात्रा का दूसरा दिन है। एक दिन पहले वो मंदिर, चर्च और दरगाह, तीनों जगहों पर गए थे जहां सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया था, अब हिंदू होना प्रचारित किया। मंदिर और मठ की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फरवरी में श्री कृष्णा मठ का दौरा किया था। पिछले साल वो मांड्या के आदि चुनचानागिरी मठ गए थे। अगले महीने उडीपी के सिद्धगंगा मठ जाने वाले हैं। गुजरात के चुनाव में राहुल मंदिर मंदिर घूमे थे, माथे पर त्रिपुंड लगाया था, ध्वज धारण किया था। अब कर्नाटक की बारी आई है। जनसभाओं के साथ तीर्थ भी जरूरी है ताकि राजनीति के धर्म का निर्वाह होता रहे। नागार्जुन, चिकमंगलूर, आज तक। मंदिर मंदिर जो राहुल गांधी गए वो तस्वीरें हम आपको 4 दिखाएंगे, लेकिन क्या आपका परिचय उन मेहमानों से कर दें जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विनोद बंसल जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, टी आर रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं, खास मेहमान दानिश अली साहब जो कि जेडीएस के नेशनल सेक्रेटरी जनरल है वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप आग से खेल रहे हैं। आरोप यह है कि हिंदुओं को बांटकर आप चाहते हैं कि कर्नाटक में आप जीत हासिल करें, क्योंकि 17% लिंगायत वोटर्स पर आपकी नजर है और जीत के लिए आप हिंदुओं को बांटने तक को तैयार है, डिवाइड एंड रूल आपकी पॉलिसी है। प्रियंका जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी आज कहां कहां गए मंदिर में, और ऐसी सोच वही पार्टी जी बोलिए, ऐसी सोच वही पार्टी रख सकती है जिनकी विचारधारा ऐसी इसी सोच के आधार पर बनी हो। भारतीय जनता पार्टी, सब पूरा देश जानता है कि इनका इतिहास क्या रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब दूसरों को ज्ञान ना बांटे कि क्या डिवाइड एंड रूल होता है। वो लोग तो उसके पूरे, मैं कहूँगी, एस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं जिन्होंने एक इसी आधार पर अपनी राजनीति की है और करते आए हैं।
रही बात लिंगायत समाज की, लिंगायत समाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब देश आजाद हुआ था उससे पहले की ये लड़ाई थी, और देश की आजादी के समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब भी इस पर डिस्कशन हुआ था कि लिंगायत कम्युनिटी जैसे सिखिज्म धर्म है, जैनिज्म धर्म है, वैसे उनको भी अलग मानना चाहिए। बस ये है, कंक्लूजन पर नहीं आ पाए थे, काफी उस पर कमिटीज बनी है, कमिटीज को साथ में लेकर आज अगर ये डिसीजन लिया गया है, जैसे जब हमारा कार्यकाल था जैन धर्म को लेना नहीं है किया था क्योंकि उनकी उठी हुई मांग थी, तो चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये लड़ाई टाइमिंग तो देखिए भारतीय नहीं है, उनकी लड़ाई तो 900 साल पुरानी है, बिल्कुल वो अपने आप को हिंदुत्व से अलग ही समझते थे, उनकी लड़ाई तो 900 साल पुरानी है, ये इतने दशकों तक मैडम आपकी पार्टी को नहीं समझ पुरानी लड़ाई को अगर अंजाम तक, अरे हम तो वो पार्टी है जिन्होंने कावेरी लड़ाई के लिए भी हमने अंजाम पहुंचाया है, कावेरी की लड़ाई भी तमिलनाडु के साथ इतने साल चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट को साथ में लेकर हमने उसको अंजाम दिया है। तो ये कहना कि राजनीति हम कर रहे हैं बहुत ही ठीक है। एक सेकंड विनोद जी, क्योंकि सुधांशु जी भी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, ज्ञान देने का कोई अधिकार आपको नहीं है क्योंकि ये वही किस्म की राजनीति है डिवाइड एंड रूल वाली की जिसमें आपको पीएचडी हासिल है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। एक संस्कृत में कहावत है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं की आंखें ना हो, कितना हो दर्पण दिखा दो, उसे ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अब क्यों, ये तो वो कर्नाटक है प्रियंका जी जहां आपकी पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, अब हिंदुओं में लिंगायत अलग है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपने बात कही तो मैं पूरी विनम्रता से आपको याद दिलाना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या जैनों को अलग माना गया था, सिखों को अलग माना गया था? नहीं, ये तो बाद में आपने अलग किया, वरना सिखों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अभी 2013 तक होती थी और जैनों की शादी अभी भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। ये डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों की पॉलिसी आप चलते हुए आए और इसी राज्य में आपने मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण किया, माइनॉरिटी के लिए भी नहीं किया, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए करेंगे तो लिंगायत बहुत सारा ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आपने मांग की थी कि मुस्लिमों को देंगे, आपने आंध्रा में भी कहा मुस्लिमों को देंगे, और उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं जो दो जातियों की बात करते हैं, एम वाई, फिर कोई पार्टी डी एम, तो गुजरात में एक एक जाति के नेता। तेरा मानना यह है देश की जनता बहुत समझदार है, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ज्ञान संपन्न है और वह देख रही है कि किसका क्या इतिहास रहा है और किसका क्या वर्तमान है। विनोद बंसल जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं लगे हाथ। धर्म का इस्तेमाल बीजेपी करे तब तो आपको बड़ा मजा आता है, वीएचपी खूब सहारा देती है, अगर धर्म का इस्तेमाल अन्य पार्टियां करे तब आपको खटकता है, वो क्यों ना करे, चुनाव वो हारने के लिए लड़ते हैं क्या? देखिए मैं सबसे पहले तो इनको प्रियंका जी को करेक्ट कर दूं, जो कह रहे सैकड़ों वर्ष पुरानी मांग है और ये हम मांग नहीं पाए थे और इसका इलेक्शन से कोई लड़ना नहीं है। इनको याद होगा कि 4 नवंबर 2013 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने बाकायदा एक लेटर देकर के और इनकी इस मांग को डिनाई कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, लिंगायत को हम अलग धर्म का दर्जा नहीं दे सकते। ये वही यूपीए सरकार है। हाँ। और ये अब यहाँ कर कर्नाटक में जब इलेक्शन आ गए तो उन्होंने उसको वो कर दिया। एक बात, दूसरी बात, दूसरी बात, इस पे कुछ जवाब नहीं दे रही क्योंकि मैं भी ये पूछना चाह रही थी कि अचानक से ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो दे नहीं सकती ना, मुझे पता है दे नहीं सकती इसमें। दूसरी बात एक और, ये देखिए इनका जो चेहरा है, आपको पता है याद होगा 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले इन्होंने राहुल गांधी गए और जैन समाज के सामने रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट कर दिया, जैन समाज को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का अनाउंसमेंट कर दिया विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का अप्रूवल बाद में आया था। और इससे पहले के अगर अपने पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली के 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो कि कोर्ट में सब जुडिस थी, उनको सारा का सारा उन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी थी। ये और इलेक्शन डिक्लेयर होने के एक घंटे पहले उन्होंने किया था। सर, आप एक मिनट नहीं बोलते हैं कि राम मंदिर और वक्फ बोर्ड पे पहुंच जाते हैं तो कौन क्या राह चलता है, कहां पहुंचता है, ये भी सबको दिख रहा है। ये डिवीजन पॉलिटिक्स है, हमेशा से इन्होंने हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करके और ये वोट लूट। ठीक है, दानिश अली जी मैं आ रही हूं प्रियंका जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन दानिश अली जी आप क्या समझ में आता है जेडीएस का क्या स्टैंड है, ए दूसरा क्या क्या बीजेपी मतलब ऑफ गार्ड हो गई है इस मुद्दे पर, क्योंकि लिंगायत ट्रेडिशनली तो इनके साथ थे लेकिन अब लग रहा है खिसक जाएंगे कांग्रेस के इस दाव के साथ। देखिए भाजपा प्रवक्ता ने कहा डिवाइड एंड रूल और अंग्रेजों की बात करी,
अंग्रेजों की दलाली तो आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे थे जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। जहां तक लिंगायत समुदाय का सवाल है, ये दशकों पुरानी मांग है। 12वीं सदी में बसवन्ना विश्वेश्वरा जो हैं, उस सदी के सबसे बड़े जो है रिफॉर्मर के रूप में, जो उस वक्त के धर्म में कुछ कुर्तियां थी उनसे जो जाति व्यवस्था थी और जो ऊंच नीच का उसको खत्म करके जो इक्वालिटी एक समानता के लिए उन्होंने प्रचार किया था, वो उसको सभी लोग मानते हैं। तो ये दशकों पुरानी मांग है, नंबर एक। जहां तक 2013 के सवाल की बात की, कागज की कि केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, शायद वो जो रिजेक्ट किया था वो प्रस्ताव पर, मेमोरेंडम पर सबसे पहला दस्तखत जो है भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के दस्तखत उस पर थे कि लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ा मठ जो है जनता पार्टी के लोग जो स्वामी जी हैं वो 111 वर्ष के, और आपको तो उन स्वामी जी से आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। ये डिसीजन लेना कि सरकार का काम है कौन से एक मतबंध संप्रदाय को रिलीजन होना चाहिए कौन से नहीं, ये सरकार का काम रह गया। ये क्या सेकुलर गवर्नमेंट है? दानिश जी मैं शामिल कर रही हूँ आपको, लेकिन ये लिंगायत तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं थे, वो तो एक अलग सेक्ट है, वो अपने आप को अलग ही मानते, तो हिंदू कैसे बटे? हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है कर्नाटका। सबसे पहली बात लगभग हिंदू, सबसे पहले हम ये समझ लें। दूसरी बात ये है, ये डिमांड इनका स्पेसिफिकली लिंगायतों का 70 साल से इस देश में चला आ रहा है। ठीक है, अब इसको 2014 में जब इनके सामने लाया गया यूपीए की सरकार के सामने, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए दिक्कत ये है कि लिंगायत की पॉपुलेशन ज्यादातर उनकी लॉयल्टीज ज्यादातर बीजेपी की तरफ है। अगर इसको तोड़ सकते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ फायदा हो, हम पर हर चीज प्री सपोज तो नहीं कर सकते ना। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड जरूर किया है, पर सेंटर ने परमिशन देना तो है नहीं। सेंटर ने ये बात स्पष्ट तो नहीं कही है। बीजेपी रोक सकता है, रोक सकती है। बीजेपी ने इशारे कर दिए हैं कि इसको परमिशन देना दिक्कत है। आप देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, इसमें आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे रामचंद्रन जी, तब भी तो लिंगायत की शिकायत करेंगे ना कि जब हमारा भला हो रहा था तो आपने रोक लिया। नहीं, बीजेपी ये कहेगी कि चुनाव आचार संहिता लग गई इसलिए नहीं दिया। अंजना जी, कर्नाटक पर दानिश जी कहेगी कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई इसलिए नहीं दिया। दानिश जी, अभी आपने तो चुनाव के मद्देनजर ही किया है ना। 2013 में क्यों नहीं कर दिया आपने ये अनाउंसमेंट? 2013 में अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर दिया उसमें? बिल्कुल, ये सारी के सारी सारे के सारे षड्यंत्र है, देश को अल्पसंख्यक काम की आग में जुचाने का षड्यंत्र है। एक बात और बता दूं, देखिए ये सत्ता के मुंह के दलाल हैं जो अपनी राजनीतिक मोक्ष की तलाश में इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराने का, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदू समाज जो है, ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बंसल जी? कौन सी भाषा गलत कही है? संयम बरतें। क्या 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 हिंदुओं को डिवाइड करके ये जो पॉलिटिक्स है, उल्टा सीधा बात करते हैं। आप टेलीविजन डिबेट जब आपका जहां आपने क्या काम किया है, जब आपने क्या हिंदुओं के लिए काम किया, अरे आप लोगों ने क्या काम किया धर्म के लिए? धर्म पे सिर्फ बात करती थी, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां से खी है। विश्व हिंदू परिषद एक बात बताए जो आपने ने वादा किया होगा हिंदुओं के साथ, वादा नहीं रखना होगा। बंसल साहब, सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है, सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि बहुसंख्यक बात पर भी अपन डराइए लोगों को। बहुसंख्यक बात के नाम पर ये वही खतरा दोनों तरफ से है, चीखने से नहीं होगा। बहुसंख्यकवाद के नाम पर भी कोई किसी को डराए, ये भी अच्छा नहीं होता है लोकतंत्र में। लेकिन यही से पूरी चर्चा को आगे
दानिश जी, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो मिला ही नहीं। आपने ये कहा आप बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, ये बताइए ना कि लिंगायत पर जो सरकार करने जा रही है, अलग माइनॉरिटी रिलीजन उसे घोषित कर रही है, उस पर आपका स्टैंड क्या है जेडीएस का? देखिए अंजना जी, मैं उसी पर आ रहा था कि लिंगायत समुदाय की मांग ये बहुत बरसों पुरानी है। 1871-72 के सेंसस में लिंगायतों को जो है अल्पसंख्यक के तौर पर दर्ज किया गया था। 40 के दशक में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा हो रही थी उस वक्त भी ये मांग उठी थी और ये लगातार उठती आ रही है। मैं जो सुधांशु जी ने अभी बहुत बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, कर्नाटक में आंध्र में दिया। ब्रेक के बाद फिर से पूछेंगे, ब्रेक के बाद तीसरी बार कोशिश करूंगी आपसे जानने की। लौट रहे हैं, बहस जारी है, देखते रहिए। आया मौसम मंदिर मठ लिंगायत का, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं श्रृंगेरी मठ से। राहुल गांधी ने यह शुरुआत की है, चुनावी शंखनाद किया है, सोमनाथ मंदिर से अगर आपको याद हो गुजरात में किया था। तो क्या जैसे गुजरात को कम से कम वहां पर परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी रही थी, यही सोचकर श्रृंगेरी मठ से कर रहे हैं शुरुआत? समझना यह भी है कि लिंगायत को अलग अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देकर क्या सीधे सीधे कांग्रेस का निशाना वोट बैंक पर है धर्म के आधार पर। लेकिन अमित शाह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो मंदिर पे पहुंचे थे, और यही तस्वीरें अलग अलग वक्त पर अलग अलग नेताओं की आती है। पार्टी कोई भी हो, हर किसी को लग रहा है कि धर्म को साथ कर ही कर्नाटक की जीत हो सकती है, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। 80% से ज्यादा लोग यहां पर हिंदू धर्म को मानते हैं और एकजुट करके अगर आगे बढ़ेगी तो बीजेपी को लगता है उसकी जीत होगी। लिंगायत अगर अलग होंगे, जो कि पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर थे, वो अगर चले जाते हैं कांग्रेस की तरफ तो बीजेपी को झटका लग सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आग से खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आरोपों के लिए सही है, लेकिन क्या ये सीधे सीधे चुनावी नुकसान का डर नहीं है कि आज आपकी उंगलियां उठ रही हैं लिंगायत के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? देखिए, मैं इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों उत्तर देता हूं। अभी रामचंद्रन जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा विस्तार देता हूं। लिंगायत समुदाय भाजपा का साथी रहा है, यह तो अर्ध सत्य है। 1977 से लिंगायत समुदाय कांग्रेस के साथ नहीं रहा है, वो जनता पार्टी के साथ था। याद करिए 1984 की हत्या के बाद जो लहर चली थी इंदिरा जी के पक्ष में, उसमें भी कांग्रेस कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाई थी, रामकृष्ण हेगड़े चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि लिंगायत समुदाय उनके साथ था। वहां से लेके जेएच पटेल तक वो जनता दल के साथ रहा, अब भाजपा के साथ है। आपको लगता है कि जब 40-45 साल से कांग्रेस के साथ ना रहा हो, उसके लिए दिल में इतनी ममता उमड़ आएगी कि उनके हित में कोई काम कर रहे हैं? ये तो कोई भी व्यक्ति सहज राजनीति से समझ सकता है। अब मैं सांस्कृतिक उत्तर देता हूं। दानिश अली जी ने कहा कि 11वीं-12वीं शताब्दी से चल रहा था, बहुत अच्छा इन्होंने समय याद दिलाया। 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत का सबसे बड़ा एम्पायर विजयनगर एम्पायर था, जिसकी कैपिटल हम्फी थी। हम्फी महोत्सव हमारी सरकार मनाती थी, नहीं मनाया इनकी सरकार ने। इनकी सरकार ने क्या मनाया? टीपू सुल्तान जयंती। हम्फी महोत्सव नहीं, टीपू सुल्तान जयंती मनाएंगे। और उसके बाद, और मैं एक बात कह रहा हूं, जवाब देने दीजिए राहुल गांधी। अरे जगत गुरु आज शंकराचार्य ने चार पीठे स्थापित की थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सुन लीजिए, पूरे भारत का एकीकरण किया था। मेरे विचार से संगेरी मठ की भावना और आदि शंकराचार्य की भावना का इससे बड़ा उपहास नहीं हो सकता कि संगेरी मठ से शुरू होकर कोई व्यक्ति उसी जिले में हिंदू समाज में, वैदिक समाज में, सनातन धर्म में ब्रेक करके करके प्लीज ये भी याद दिला दीजिए। अरे भैया सुन ले, भी याद दिला दीजिए। हम भी महोत्सव मनाए थे, क्यों रोक दिया हम्फी महोत्सव? हम्फी महोत्सव क्यों रोका? विजयनगर एम्पायर का इम्पैक्ट इंडोनेशिया पर। आप ये भी बता दीजिए, 13वीं सेंचुरी के ऊपर प्रियंका जी जवाब दे ले, दानिश जी प्रियंका जी जवाब दे ले, फिर बोलिएगा। सुनिए अंजना जी, सुनिए, लंदन और पेरिस 50 गुना था। अरे देखिए देखिए, अरे अरे सुधांशु जी, सुधांशु जी इतना सुधांशु जी बाबा साहब अंबेडकर चुनाकर आपके संविधान की पहली कॉपी है। दानिश जी आपकी बारी आएगी सर, एक एक बार प्रियंका जी जवाब दे ले। शंकराचार्य जी ने बनाया जिन्होंने पूरे भारत को एक किया था। मैं सुधांशु
सुधांशु जी, दक्षिण में पुजारी होता, दक्षिण का उत्तर में होता है। आपको पता पशुपतिनाथ में कर्नाटक का पुजारी होता है। आपके झूठ सच नहीं हो सकते। मैं आपको न्योता देती हूँ। आप शंकराचार्य जी के सिद्धांत को भस्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम बहुत बड़े हिंदू हो गए और संगरी मठ से शुरू करेंगे। हम्पी उत्सव बनता है। आप अगर अपनी आंख बंद कर ले सच्चाई से, सच्चाई छुप नहीं सकती। कितना झूठ बोलेंगे एक ही सेंटेंस में आपने दस झूठ बोले। और एक तो आपने आज अपनी सच्चाई देश के सामने प्रकट कर दी है, सच्चाई देश के सामने रख दी है। जहां आपने कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस उसके साथ काम और उसके बाद कहेंगे लिंगायतों का हिमायती हो गया। अरे यार क्या आदमी है सुधांशु जी, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पार्टी के लिए अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं 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 सर, ये ठीक नहीं है। समझ रहा है ना, समझे वो नाड़ी है, सबको समझ में आता है। आज 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 आप अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं सुधांशु जी। थोड़ा सा प्रियंका चतुर्वेदी को जवाब देने दीजिए सर, ठीक नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी बोलेंगी। प्रियंका चलिए चलिए चलिए, मुझे पता है इनपे भी प्रेशर, देखिए इन पे भी प्रेशर होगा। राज्यसभा की सीट सबको चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश से चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, पर थोड़ा धैर्य रखिए सुधांशु जी। काफी सालों से आप इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको न्योता देना चाहती हूँ कर्नाटक में हम्पी उत्सव में शामिल होने के लिए। आप देख कर आइए कितना भव्य उत्सव बनता है, हर साल बनता है। अगर आंख मूंद लेने से सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई सबके सामने है। रही बात दूसरी, आपने कहा जो कांग्रेस के साथ नहीं रहा कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम क्यों करेगी। भाई साहब, हम सबके लिए काम करेंगे, भले ही वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें या ना करें। तो ये भी हम आपको आज बता दें, आप लोग वोट के हिसाब से लोगों को के लिए काम करते हैं, हम लोगों की सेवा अनुसार उनके उनकी जो मांगे हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। यही आप में और हम में अंतर है, वो आज आपने खुद ने अपनी बातों के जरिए देश को बता दिया है। 2013 में क्यों मना किया था प्रियंका जी, ये बता दीजिए। 1942 से ये सिलसिला चला आ रहा है। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने क्यों मना किया था इसी मुद्दे पर, लिंगायत को अलग माइनॉरिटी बनाने के लिए। मैं बता रही हूँ जी, मैं बता रही हूँ, मैं इसका जवाब दे दूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय पर। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमने स्टेट कमीशन बनाया और हमने कमिटी बनाई कि इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए, उन्होंने सीधा सेंटर को चिट्ठी लिखी। अरे पहले स्टेट, जैसे हमने काम किया 2017 में, हमने 7 मेंबर स्टेट कमेटी बनाई, स्टेट कमेटी ने कहा केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया था, हो रही है मिनिस्ट्री का सर्कुलर है। 2018 जनवरी 2018 में कमेटी रिपोर्ट आई है और 4 नवंबर 2013 को मनमोहन सरकार के गृह मंत्रालय ने ये बाकायदा लेटर लिखकर रिजेक्ट किया था। जनता पार्टी कहती है ये बात गलत है, तो केंद्रीय सरकार इसको पलट दे, केंद्रीय सरकार इसको पलट दे। अगर उनको लगता है कि 7 कमेटी, 7 मेंबर की जो कमेटी बनी थी, ठीक है, आप बंसल साहब को बोल लीजिए लिया है। प्रियंका जी, मैं कहना चाहता हूं, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि राम जन्मभूमि के लिए, सुनिए एक मिनट प्रियंका जी, आपकी बात पूरी होगी। मैं ये तो वही बात हो गई, राम मंदिर भी पहुंच गए बंसल साहब, चलिए मुझे पता था पहुंचेंगे वहां। ये तो बिल्कुल वही बात है कि राम मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनकी जो शाउटिंग ब्रिगेड है कपिल सिब्बल एंड कंपनी, वहां जाके कहती है नहीं 19 से पहले तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को धमकाते हैं। एक नहीं 4-4 बार उन्होंने कहा इस बात को। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। आप मुझे बताइए कि जो इससे पिछली वाली असेंबली में गौरक्षा के लिए बंसल साहब अल्फाज वापस लीजिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई नहीं धमका सकता, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इतना कमजोर नहीं है कि उसको कोई धमका सके। क्या करके उसको वापस, क्या बात कर रहे हैं आप। ये सरकार आई, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया, गौ हत्यारों के खिलाफ। फिर गौ हत्या पे पहुंच गए, गौ हत्यारों के साथ तो निपटाइए बहस में। की बात करते हो, मुझे बताइए कर्नाटक तो निपटाइए की बात करते हो, तो फिर गौ हत्यारों को प्रोटेक्शन तो मत दो भैया। ये कांग्रेस का सीधा सीधा चेहरा है। मुझे बताइए, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी, वही अल्पसंख्यक बात, वही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आप सब पर हंस रहे हैं जरा, अब लोग आप पे ना हंसने लगे क्योंकि आपको क्लियर तो करना चाहिए। दानिश जी, आप लिंगायत पे साफ बोलिए तो कि उन्हें अलग माइनॉरिटी रिलीजन जी जी घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इतने साल तक आप क्यों सो रहे हैं बता दीजिए, फिर रामचंद्रन जी के पास चलेंगे।
देखिए मैं आपको मैंने पहले ही बताया और मैं फिर कहना चाहता हूँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नियत साफ नहीं है। जब नियत साफ होती है तभी कोई काम होता है। अरे अपने दामन में हमारी नियत साफ थी, मैं आपको याद दिला दूं, मैं अपना ही बता रहा हूँ, हमारी नियत साफ थी तभी सुधांशु जी ने गलत रिप्रेजेंट किया कि कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने देवेगौड़ा से मुख्यमंत्री बने बनने के 3 महीने के अंदर उन्होंने वो रिजर्वेशन लीगली फुल प्रूफ तरीके से लागू किया और आंध्र में और दूसरे स्टेट में कांग्रेस नहीं कर पाई वो। चलिए ऐसे ही रामचंद्र जी उनकी मजबूरी समझ में आती है। लिंगायत वोकल लिंगस दो महत्वपूर्ण सेक्ट वहां पर वो डिसाइसिव है 70-80 सीटों पर। साल में करना चाहिए था, उनके पक्ष में बोले तो फंसेंगे, उनके खिलाफ बोले तो फंसेंगे, क्यों बच रहे हैं मेरे सवाल से। और लिंगायत के 70 सीट अलग से हैं जिनपे डिसाइसिव है। वो जिधर जाएंगे सीट उसके पार्टी में चली जाएगी। सिमिलरली वोकल लिंगस के भी कुछ 50-60 सीटें जिसपे वो डिसाइसिव है। तो इसीलिए जब तक पूरा ब्रिगेड एक कम्युनिटी आपकी तरफ नहीं आएगा तो आपको जीतना कर्नाटका में मुश्किल हो गया है। और ये जनरल अरिथमेटिक ऐसे ही रही है, कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि कोई एक कम्युनिटी आपके साथ नहीं है तो आप ऐसे चीज उभर के लेके आएंगे कि कुछ हमारे तरफ भी जुड़ जाए। समझ में आ रहा है कांग्रेस का कि नहीं नहीं चुनाव की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, ये भोलापन समझ में आ रहा है आपको? भोलापन क्या बात कर रहा है, ये षड्यंत्र है। देखिए ये इलेक्शंस में ऐसी चीजें देखिए जो हर कोई राजनीति दल करती है। आज वो दक्षिण भारत में चला गया, दक्षिण भारत के लोग ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक एक एक लाइन में सबसे जवाब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। रामचंद्रन जी आपसे शुरू करते हुए, ये दाव किसको फायदा दे जाएगा? क्योंकि अगर सेंटर रिफ्यूज करता है कि आप बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, क्या होगा एक लाइन में? देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट स्टडी आई है वो ये दिखाता है कि हो सकता है एक त्रिशंकु विधानसभा निकले वहां पर। लेकिन अगर ये नहीं होता तो बीजेपी निकाल लेती, ऐसा आप मानते हैं? 3 महीने पहले तक कांग्रेस का पलड़ा भारी था, अब बात हो रही है कि शायद बीजेपी को एक अपर हैंड है। एक लाइन में बन सकता है। देखिए ये तो डिवीजन पॉलिटिक्स है निश्चित रूप से, ये इसने इस एक एपिसोड ने ये क्लियर कर दिया कि आखिरकार ये जो राजनेता किस नीचता तक जा सकते हैं। षड्यंत्र से कह रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, बंसल साहब। जिस भाषा से जो भाषा का इस्तेमाल बंसल साहब कर रहे हैं उससे उनकी सोच और विचारधारा काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी अच्छे तरीके से देश की जनता के बीच में जा रही है। नीच राजनीति कहने वाले, नीचता जैसी बात करने वाले, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। टाइम की कमी है, दानिश अली जी ये हिंदू धर्म को एकजुट कर रख सकते हैं। दानिश अली जी अगर त्रिशंकु हो भाषा आपकी पाली से बचा के मुझे पेशेंस नहीं आप जैसी लोगों की भाषा सुनो। एक सेकंड आवाज नीचे, मैं सबके पास जा रही हूँ। दानिश अली जी अगर त्रिशंकु परिस्थिति होती है जैसा रामचंद्रन जी कह रहे हैं, किसके साथ हाथ मिलाएंगे? कौन छोटा बड़ा दुश्मन है, कौन छोटा दुश्मन है? अंजना जी बसवन्ना की जो टीचिंग्स थी उसको वो ये इसमें भूल गए हैं। उन्होंने जो आंदोलन किया था जिस चीज के खिलाफ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताणन के अधिकारी जिसके इन चीजों के खिलाफ मतलब बसवन्ना ने आंदोलन किया था इसका अर्थ पता है आपको? आंदोलन था ये ठीक नहीं है, अर्थ पता है आपको? ये बहुत गलत है। इतनी बढ़िया छपाई है उनकी जिसके बारे में सुधांशु जी पता, सुधांशु जी जल्दी नहीं पता। प्लीज सर, प्लीज सर, सुधांशु जी, सुधांशु जी सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी, सुधांशु जी कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज सर। सुधांशु जी देखिए कहां की बात ये बसवन्ना के नाम पे कोट कर रहे हैं। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा अंजना जी, यहां मामला एक चुनाव नहीं है, मामला कर्नाटक नहीं है। एक पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया, उस लार्जर डिजाइन को देखिए और एक पंक्ति में समराइज करूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। दिस इज द लार्जर डिजाइन ऑफ ब्रेकिंग इंडिया। कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड करो, कभी दलित फॉरवर्ड डिवाइड करो, कभी भाषा के नाम पे डिवाइड करो, कभी उत्तर भारतीय मराठी डिवाइड करो, बस देश को तोड़ते चले जाओ और मेरी कुर्सी बची रहे। वही मिसीले मैंने कहा हर परिवेश को बांटो कुर्सी के उद्देश्य। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।